इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम तुझे यहाँ से। ओए वो कहाँ बच रही है? ओ छोड़ मेनू। कौन है तुम लोग? कौन है तू भी? अरे चुप। आसमा, काफी देर होगी कॉल किए हुए, डैडी जी अभी तक आए क्यों नहीं? उन्होंने सिमी को भागने से रोक तो लिया होगा ना? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से अरमान और आसमा ये पता लगाते हैं कि सिमी और मेहर का कोई रिश्ता है ही नहीं। इन दोनों की डीएनए रिपोर्ट मैच तक नहीं होती। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आसमा कहती है अरमान से सिमी मेहर को अपना बनाने नहीं आई है, मेहर के लिए भी नहीं आई है, बल्कि सिमी का कुछ और ही प्लान है। अब यहाँ पर अरमान और आसमा को ये पता लगाना है कि आखिरकार सिमी का प्लान चल क्या रहा है। जब अरमान और आसमा ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वहीं से कोई तीसरा पर्सन इन्हें छुपकर देख रहा होता है, इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से सिमी अरमान और आसमा के बीच में एक कोल्ड वॉर देखने को हमें मिल रहा है। दूसरी तरफ जहां पर रेस से मेहर को बचाती है आसमा, तो आसमा का चेहरा कुछ लोगों के सामने आ जाता है सुखी और यहाँ पर सिमी को शक हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे बड़ा ट्विस्ट, जहां पर हम देखने वाले हैं कि अरमान और आसमा अब सिमी के खिलाफ प्लान बनाएंगे, लेकिन सिमी ऑलरेडी प्लान बना चुकी होती है। सिमी जो है आसमा के कहती है कि मैं फोन करती हूँ आसमा को, शेफ के सामने ये ड्रामा करती है ताकि घर वालों के सामने सारी बात आ जाए, क्योंकि शेफ और आसमा एक ही है, जहां पर आसमा पकड़ी जाती है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।